राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विभाग की ओर से ली गई 12वीं कक्षा परीक्षा के नतीजे गुरुवार को घोषित किए गए। इस परीक्षा में नागपुर महानगर पालिका स्कूल के छात्रों ने सफलता हासिल की है। 12वीं कक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी छात्रों व शिक्षकों का सम्मान कार्यक्रम गुरुवार को मनपा के मुख्यालय में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी व शिक्षण अधिकारी उपस्थित हुए। मनपा आयुक्त ने सभी सफलता प्राप्त किए छात्रों का अभिनंदन किया, साथ ही भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। सेकेंड क्लास के विद्यार्थी फर्स्ट क्लास मध्ये, थर्ड क्लास के विद्यार्थी सेकेंड क्लास मध्ये, अशा प्रकारचं गुणवत्तावर फोकस करण्याची आवश्यकता आहे, रादर दॅन एखादा व्यक्ती पास होण्याच्या पेक्षा। त्या दृष्टिकोन ठेवून महापालिकेने मागच्या 2-3 वर्षापासून आपण पाहिलं तर विद्यार्थ्यांचं मनोबल वाढवण्यासाठी बरेच काही उपक्रम करतो। उदाहरणार्थ सुपर 75 आपण सुरू केले होते, आपण आपला मुलांचा फिजिकल फिटनेस वाढवण्यासाठी आता पण समर कॅम्प चालू आहे आपल्या शहराच्या विद्यार्थ्यांसाठी, शाळेच्या विद्यार्थ्यांसाठी इंग्लिश मीडियम स्कूल सुरू केले, अशा प्रकारचे वेगवेगळे होतं त्याला यश फल मिळायला थोडा वेळ लागणार। मात्र तसा करत असताना एकंदरीत एका वर्गामध्ये असलेले जेवढे विद्यार्थी, सगळा विद्यार्थीवर फोकस शिक्षकांचा राहिला पाहिजे, ते माझ्या महत्त्वाचे संदेश आज मला दिलेले। आज मला खूप आनंद वाटतं, जसा देशाचा ट्रेंड आहे ते आपल्याकडे पण बघायला मिळतं। आज जेवढे विद्यार्थी, जवळपास 12-15 विद्यार्थ्यांना आपण सत्कार केले होते, त्यामध्ये 2-3 विद्यार्थी सोडून बाकी सगळं महिला मुलीचं आलेले, ते अतिशय आनंदाच्या गोष्ट आहे। ज्या आपल्या फ्युचरमध्ये आपल्या विद्यार्थ्यांच्याकडून, विद्यार्थिनीकडून सगळं प्रकारचं चांगलं अपेक्षित आहे। आज त्यांचं फ्युचरमध्ये काय करणे अपेक्षित आहे, कशा प्रकारचं फिनान्शियल इंडिपेंडन्सकडे त्यांनी बघणे आवश्यकता आहे, करिअर बेस्ड त्यांचं लाईफ कसं सेट करायचं, त्या दृष्टीवर आम्ही मोठ्या प्रमाणात चर्चा केली। आणि याला पुढे नेण्यासाठी यांचा पालक, त्यांचं फिनान्शियल कंडिशन सगळं बघून काय मदत लागत असेल नक्की महापालिकेकडून करायचं सुद्धा आपण तजवीज ठेवलेली। नागपूर महानगरपालिका स्कूल से पढ़ाई कर सफलता प्राप्त किए छात्रों ने अपनी सफलता की कहानी BCN के समक्ष रखी। मेरा फिरदौस स्कूल का नेम है MAK आजाद और परसेंटेज है 70 से ऊपर आना चाहिए था। एक तो टाइम बहुत कम मिलता था पढ़ाई के लिए, पर फिर भी मैंने पढ़ाई की हूँ और साथ में ही घर में बहुत सारी कचाइयाँ भी होती थी, लेकिन फिर मैंने पढ़ाई कंप्लीट की। सैयद आबिद अली, मैंने MAK आज़ाद उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज से एजुकेशन की हूँ और मैं 75.50% बने हैं। पढ़ाई करते समय सिर्फ इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करना पड़ा और हिस्ट्री में, क्योंकि हिस्ट्री याद करना आसान चीज़ नहीं है, तो इसलिए और इंग्लिश में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ा, क्योंकि जैसे हम लोग उर्दू मीडियम है तो हम लोगों को इंग्लिश में ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश मीडियम वालों के जैसे हो जाती है ना, 10th तक हमारी सही रहती है, लेकिन फिर हमारी इंग्लिश मीडियम में चल जाती है, हमारी लैंग्वेज जो होती है फर्स्ट लैंग्वेज बन जाती है इंग्लिश, इसलिए मेरे को उसमें ज़्यादा फोकस करना पड़ा। NBCN न्यूज़ के लिए राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।